हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूं, जो कि NEDFI यानी नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड गुवाहाटी से आउट की गई हैं। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या देने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करने पर वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है, सबसे लास्ट में रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट नंबर पर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JEO के लिए है। यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 5 सितंबर ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एडवर्टाइजमेंट की डिटेल्स यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लेते हैं। NEDFI/HR/Recruitment 01/2022-23 आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। NE वैकेंसी परमानेंट पोजीशंस के लिए है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JEO के लिए। 5 सितंबर 2022 ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है। एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो अनरिजर्व में 19 है, ST के लिए 3 है, SC के लिए 6 है, OBC के लिए 12 है, WS के लिए 4 है। टोटल 44 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 1 अगस्त 2022 तक काउंट की जाएगी। 21 से 30 साल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही यहां पर फॉलो होगी, यानी SC ST को 5 ईयर, OBC NCL को 3 ईयर्स, NPWD को उनके कैटेगरी के हिसाब से यहां पर छूट मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है, कम से कम 60% मार्क्स के साथ में। साथ ही आपके पास अगर आप CA हैं या पास अकाउंटेंट हैं या एनी अदर प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST PWD कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन एजुकेशन में यहां पर दिया जा रहा है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर ही सिलेक्शन आपका होने वाला है। सिलेबस की बात करें तो जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स होंगे, जनरल नॉलेज, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डाटा इंटरप्रिटेशन से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स होंगे, रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 100 होंगे एंड 100 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको 1 आवर 30 मिनट्स का समय दिया जाएगा। एंड यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, 0.25 नंबर डिटेक्ट कर लिया जाएगा रॉन्ग आंसर देने पर। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो PWD EWS के लिए कोई भी फीस नहीं, SC ST के लिए 200, OBC के लिए 300, जनरल के लिए यहाँ पर 500 की फीस रखी गई है। पे स्केल की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए 15,400 से स्टार्टिंग है, 33,240 जाएगी, जिसमें आप अप्रॉक्सीमेटली आपकी 48,000 पर मंथ बेसिक पे बनेगा, 6.5 लाख आपका यहाँ पर बेसिक पे इनिशियल में होगा। प्रोबेशन पीरियड भी यहाँ पर 1 ईयर का रहने वाला है। एंड अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है तो 5 सितंबर 2022 ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। वेबसाइट पर विजिट करते हैं, यहां से अप्लाई हियर का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट मिडिल नेम, लास्ट नेम, एंड क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2022 तक, आपकी एज कितनी है, मोबाइल नंबर, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, एंड अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है, आपका OTP जनरेट करना है आपको। देन आई एग्री पे क्लिक करने के बाद कैप्चा फिल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर रीवेरीफाई पर क्लिक कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लॉग इन करके आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके 5 सितंबर 2022 से पहले इसे सबमिट कर देना है। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।